और सभी साथियों को आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं विधान परिषद के सदस्य अनिल कुमार शर्मा जी, पार्टी के कार्य समिति सदस्य भारतीय जनता पार्टी के रत्नेश कुशवाहा जी हैं, अधिवक्ता भी हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आज जिस तरह मुख्यमंत्री जी को मैंने देखा, बड़ा दया लग रहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ चले गए और क्या कर रहे हैं। उनको अब कुछ याद तो रहता नहीं है मेरे हिसाब से। जिन लोगों की नियुक्ति पत्र आज ये बांट रहे थे पंचायत सचिवों की, वो जानकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य लगेगा कि 15 जुलाई को ही इन लोगों को नियुक्ति के साथ साथ पोस्टिंग भी कर दी गई थी। और क्या दुर्भाग्य है कि बिहार के मुख्यमंत्री आजकल नए गठबंधन में क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा, कि 3,162 लोगों की पूरे बिहार में नियुक्ति हुई थी और उसमें से सभी लोगों की को पोस्टिंग, मतलब जुलाई में नियुक्ति हुई थी आपको, जून में, 26 जून 2022 को इनकी नियुक्ति हुई। और ये सिर्फ पंचायत सचिवों की नियुक्ति नहीं हुई थी, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 11,329 लोगों की बहाली हुई थी और इसमें से 4,353 रेवेन्यू कर्मचारी थे, 3,127 आपको पंचायत के सचिव थे और लगभग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जो एलडीसी की बहाली होती है उसमें 1,751 थे, जो मेजर था मैंने बताया, और कई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 693 पोस्ट थे। तो यह पूरा लिस्ट मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा कि आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। यह नियुक्ति घोटाला हो रहा है, ये लोग नियुक्ति कर नहीं रहे, नियुक्ति का घोटाला कर रहे हैं। 11,000 इसका घोर नौजवानों का अपमान कर रही है, ये मानती है कि बिहार के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो हम लोगों ने प्रोसेस पूरे कर लिए हैं, आज भी मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि 1,00,000 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस हमने पूरा कर लिया है। बस नीतीश कुमार इसको धीरे धीरे निकलवा रहे हैं कि बिहार की जनता में हम भ्रम फैला है कि हम लोग नौकरी दे रहे हैं। अच्छा, याद कीजिए, आप लोग तो लंबे समय से पत्रकार हैं, कभी नीतीश कुमार को इतना नौकरी बांटने के लिए देखा था अपने समय में? अरे मुख्यमंत्री तो यही है, ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। और नाटक में डायरेक्टर कोई और है, ये तो एक्टर के तौर पर आ रहे हैं, इससे अधिक इनका कोई रोल ही नहीं दिखता है। पूरी बिहार सरकार झूठ बोल रही है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये पूरा स्पष्ट दिखता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा बिहार की जनता को बताने का काम कर रहा है। जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज हम लोगों को देखने को मिला, पकड़ रहे हैं, अरे कहां भागा जा रहा है भतीजा आपका, क्या इसका मतलब लगता है उनका भाग रहा है भतीजा, पकड़ रहे हैं, अरे उस ओथ के दिन ही पकड़ लिए थे। तो चचा भतीजा में ऐसा प्रेम नहीं होता है, भाई भाई में प्रेम होता है। अरे चचा भतीजा तो पैर छूता है और उसके बाद साइड हो जाता है, यदि बार बार दिखाते हैं कि हम बहुत लगाव किए हुए हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये गठबंधन ठगबंधन है, लठबंधन है और ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। मैं प्रश्न आरजेडी से करना चाहता हूं कि स्वर्ण समाज बिहार के, इनको तो कभी लालू प्रसाद जी ने आरक्षण नहीं दिया,
ना किसी वर्ग को दिया। मैं ये भी चैलेंज करता हूं राष्ट्रीय जनता दल को कि आपने तो कभी ना दलितों को आरक्षण दिया, ना ओबीसी को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। आप तो आरक्षण विरोधी हैं। और जब जब आरक्षण बिहार में लागू हुआ आपने विरोध किया, 2005 का चुनाव पंचायती राज में हो तब भी आप आरक्षण के साथ नहीं थे। जब उच्च समाज को, स्वर्ण समाज को आरक्षण दिया जा रहा था तब भी राष्ट्रीय जनता दल उस पूरे बिल की कॉपी को फाड़ रहा था लोकसभा राज्यसभा में। और उसमें मेरा सीधा आरोप है कि स्वर्णों को तो आरक्षण का आपने विरोध किया, तो इसका मतलब है कि आप मुसलमान समाज के जो शेख सैयद और पठान है उसका भी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। तो इसका जवाब देना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमान के विरोध, आरक्षण के विरोध में है जो शेख सैयद और पठान को मिल रहा है। तो यह स्पष्ट तौर पर है, यह मैं जानना चाहता हूं।